जेएनयू हिंसा पर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर, क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ एबीवीपी कार्यकर्ता अक्षत अवस्थी। स्टिंग ऑपरेशन जेएनयू में अक्षत अवस्थी ने कुबूली थी जेएनयू में मारपीट की बात, क्राइम ब्रांच में दर्ज कराया बयान। ऑपरेशन जेएनयू से मिले सबूतों और अक्षत के बयान का मिलान कर रहा है क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस ने भेजा था समन। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में आज तक की महिला पत्रकार पर हमला, गुड़िया गैंगरेप केस के दोषी ने किया हमला। गुड़िया केस के दोनों आरोपियों को कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषी करार दिया, सजा पर 30 जनवरी को बहस। नागरिकता कानून पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बड़ा बयान, कहा कानून बनने के बाद लागू करने से मना नहीं कर सकती हैं राज्य सरकारें। कपिल सिब्बल की दलील, अगर कोई राज्य करता है मना तो ये असंवैधानिक होगा। नागरिकता कानून पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल, जो नीति इंसानियत के आधार पर ना बनाई जाए क्या उसे लागू करना सही है। सूरत में केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी का विवादित बयान, कहा जिन्हें वंदे मातरम बोला स्वीकार नहीं उसे देश में रहने का अधिकार नहीं। मंत्री प्रताप सारंगी ने बोला कांग्रेस पर हमला, बोले हमारे पूर्वज नेताओं ने जो पाप किया उसका हो रहा है प्रायश्चित। आपसे कांग्रेस में शामिल हुए आदर्श शास्त्री का केजरीवाल पर सनसनीखेज आरोप, कहा मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ में बेचा विधानसभा का टिकट। जो दो सांसद जो पैसा इकट्ठा करने का, लोगों से पैसा लेने का काम कर रहे हैं, मैंने उनको कहा कि ये संभव नहीं है कि इस तरह का पैसा मैं इकट्ठा कर पाऊं। बहुत विधायकों से मांगा गया, आज डर के मारे हो सकता है बहुत विधायक इस बात को ना स्वीकारें, मगर सच्चाई यही है। आदर्श शास्त्री के और भी आरोप, बोले इस बार चुनाव में 10 से 20 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं टिकट। नागरिकता कानून को हथियार बनाकर जेपी नड्डा का राहुल पर वार, कहा कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं, बोलकर दिखाएं 10 लाइन। राहुल गांधी CAA पर बोल करके दिखाएं 10 लाइन, जानते ही नहीं। कर्नाटक के हुबली में अमित शाह की रैली, नागरिकता कानून का विरोध करने वालों को बताया दलित विरोधी। और CAA का जो विरोध कर रहा है वो दलित विरोधी है मित्रों, दलित विरोधी है, ये आप जानकर रख। विरोध करने वालों से अमित शाह का सवाल, आप बताएं पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित अल्पसंख्यक कहां जाएं। हुबली पहुंचने पर अमित शाह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, शाह के काफिले को दिखाए काले झंडे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को झटका, पार्टी नेता जयदीप नंदी ने सिलीगुड़ी में थामा बीजेपी का हाथ। शिवसेना कांग्रेस के बीच सावरकर पर खींची कमान, संजय राउत का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले सावरकर हमारे नायक। संजय राउत की सावरकर विरोधियों को नसीहत, कहा 2 दिन अंडमान जेल में रहेंगे तो सावरकर को समझ जाएंगे। कांग्रेस नेता सचिन सावंत का बयान, सावरकर को भारत रत्न देने के लिए बीजेपी को किसने रोका, बीजेपी को इसे बहुत पहले ही करना चाहिए था। विनायक दामोदर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने संजय राउत के बयान का किया स्वागत, कांग्रेस पर सावरकर को बदनाम करने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल गुजरात के हसलपुर से गिरफ्तार, राष्ट्रद्रोह के मामले में कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। शाहीनबाग में सड़क बंद होने से मुश्किलों का सामना कर रहे सरिता विहार के छात्र पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, कोर्ट ने पुलिस को दखल देने को कहा। सीए के विरोध में शाहीनबाग में 35वें दिन भी महिलाओं का धरना जारी, कड़ाके की ठंड में भी सड़क पर प्रदर्शन। शाहीनबाग में सीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान फंसी एम्बुलेंस, प्रदर्शनकारियों ने बनाया रास्ता। सीए के खिलाफ दिल्ली के शाहीनबाग जैसा लखनऊ में भी प्रदर्शन, महिलाएं बच्चे दिन रात सड़क पर बैठे, कहा जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक नहीं हटेंगे। घंटाघर पर भारी संख्या में पुलिस वाले पहुंचे प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश, लेकिन मिली नाकामी, सुबह से फिर प्रदर्शन जारी। चिदम्बरम ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दी सीए के खिलाफ दीक्षा, कोलकाता में लगी पाठशाला। एनआरसी और सीए के विरोध में तेजस्वी यादव ने कटिहार में की जनसभा, समर्थकों के साथ बाजार में नजर आए। कौशाम्बी के काजी ने सीए एनआरसी का विरोध करने वालों के खिलाफ फतवा जारी किया, कहा इसकी इजाजत नहीं देता इस्लाम। वडोदरा में 70,000 लोगों ने पीएम मोदी को लिखे पोस्टकार्ड, सीए का किया समर्थन। संभल में सीए और एनआरसी का अनोखा समर्थन, शादी कार्ड के जरिए किया सपोर्ट।
दिल्ली की तिहाड़ जेल से छूटने के बाद भीम आर्मी मुखिया चंद्रशेखर अपने घर पहुंचे, कहा सीए के विरोध में भड़की हिंसा में घायल हुए लोगों की करूंगा मदद। चंद्रशेखर ने मांगी अनुमति, बीजेपी जिस तरह सीए के समर्थन में रैलियां निकाल रही है उसी तरह भीम आर्मी को मिले खिलाफ में आंदोलन की इजाजत। चेन्नई में आज फिर सड़कों पर उतरे एसडीपीआई के समर्थक, सीए का किया विरोध। कोलकाता में भी सीए के खिलाफ एक सप्ताह से प्रदर्शन जारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम भी हुए शामिल। प्रयागराज में मुस्लिम महिलाओं की अनोखी पहल, सीए और एनआरसी का विरोध करने वालों को करेंगी जागरूक। 26 जनवरी से मुंबई में पूरे 24 घंटे खुले रहेंगे मॉल, थिएटर, होटल। पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने नाइट लाइफ का किया ऐलान। सामना के संपादकीय में अनुच्छेद 370 के बहाने केंद्र पर तंज, लिखा बंदूकों के जोर पर कश्मीर में शांति का माहौल। मुंबई में 24 घंटे मॉल खुलने पर बीजेपी ने सीएम उद्धव ठाकरे और मंत्री आदित्य ठाकरे पर साधा निशाना, किरीट सोमैया बोले ये सब अमीरों के एंजॉयमेंट के लिए किया गया। पूरी रात मॉल खुलने पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष सेलार ने किया सवाल, रात 3 बजे कौन कपड़े और बड़ा पाव खरीदने आएगा, सब अमीरों की तफरी के लिए किए गए। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, टिकट बंटवारे से जुड़ा है मुद्दा। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, 5,000 से ज्यादा छोटी रैलियों का प्लान। बीजेपी के नए सॉन्ग में कुछ शब्दों के चयन को आम आदमी पार्टी बना सकती है मुद्दा, रैप में गाली भी इस्तेमाल। निर्भया की मां से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने की दोषियों को माफ करने की अपील, कहा सोनिया गांधी ने नलिनी को माफ किया। इंदिरा जयसिंह पर भड़की निर्भया की मां, कहा मुझे सुझाव देने वाली वो कौन, इन जैसों की वजह से ही रेप पीड़िताओं को नहीं मिल पाता इंसाफ। दिल्ली के गुड़िया गैंगरेप केस में 2 आरोपियों को कोर्ट ने ठहराया दोषी, 30 जनवरी को सजा पर होगी बहस। 2013 में 5 साल के गुड़िया को अगवा कर प्रदीप और मनोज ने किया था गैंगरेप, जान से मारने की भी कोशिश की थी, 6 साल बाद मिला न्याय। दोषी मनोज कुमार ने आज तक की रिपोर्टर पर किया हमला, कोर्ट परिसर में मारा थप्पड़, फोन छीनने की कोशिश। कानपुर में बेटियों से छेड़खानी के खिलाफ केस दर्ज कराने पर हैवानों ने मां को मार डाला, मौसी पर जानलेवा हमला किया, 9 जनवरी की वारदात। कानपुर केस में पुलिस के आरोपियों से हुई मुठभेड़, 2 आरोपियों को लगी पुलिस की गोली, पुलिस ने कुल 10 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कानपुर में महिला की हत्या और छेड़खानी केस में पीड़ितों की सुरक्षा बढ़ाई, घायल महिला 10 दिन से आईसीयू में भर्ती। सड़क हादसे में घायल शबाना आजमी, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर ट्रक से टकराई कार, पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती घायल शबाना आजमी, साथ में सवार जावेद अख्तर सुरक्षित है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बर्फ के तूफान से मुसीबत, दिनभर घरों में कैद लोग, हर्षिल मुखवा धराली में बिजली पानी संपन्न। उत्तराखंड के औली में ताजी बर्फबारी से हालात और खराब, 3 दिनों में लगातार गिर रही है बर्फ। केदारनाथ में भी भारी हिमपात, 10 फीट तक जमी है बर्फ, मौसम साफ होने के बाद भेजे जाएंगे मजदूर। हिमाचल के किन्नौर में बर्फबारी से हाईवे बंद, सरकारी विभाग रास्ता कर रहा है साफ। जम्मू कश्मीर के हिल स्टेशन डेहरा की गली में टूरिस्टों का भरमार, बर्फबारी का ले रहे हैं मजा। बेंगलोर में कल फाइनल सरीखा होगा, तीसरा वनडे, टीम इंडिया सीरीज जीतने को तैयार, स्मिथ बोले बेंगलोर में लेंगे राजकोट का बदला। चोट से तेजी से उभर रहे हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन, लेकिन कल सुबह ही होगा बेंगलोर वनडे खेलने पर फैसला, राजकोट में दोनों को लगी थी चोट। राजकोट वनडे में भारत की जीत के बाद बोले मैन ऑफ द मैच केएल राहुल, अलग अलग किरदार में भरोसे पर खरा उतरने की कर रहा हूं कोशिश। सानिया मिर्जा का धमाका, मां बनने के बाद जीता पहला डबल्स खिताब, होबार्ट ओपन पर किया कब्जा। भारत के प्रजनेश को मिली ऑस्ट्रेलियन ओपन में एंट्री, चोटिल खिलाड़ियों के बाहर होने से मिला मौका। हरियाणा के सिरसा में 11 साल की बच्ची से रेप, कराटे सीखने वाले कोच ने ही किया दुष्कर्म। यूपी के फतेहपुर में खेल खेल में खूनी जंग, बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या, कंचा खेलने से शुरू हुआ था विवाद। यूपी के मेरठ में महिला की हत्या, परिवार वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। यूपी के कानपुर में तालाब में महिला की लाश से सनसनी, पुलिस ने शुरू की पड़ताल। ग्रेटर नोएडा में टोल मांगने पर मिली मौत, टोल कर्मचारी को रौंद कर बदमाश फरार।
पटियाला में जमीन विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर बदमाशों का हमला, पिटाई का वीडियो वायरल, 5 के खिलाफ केस। कानपुर में एक दीवार गिरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, पीड़ित परिवार को 12 लाख का मुआवजा। यूपी के हरदोई में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 1 को लगी गोली, बाकी 4 फरार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाशों को दबोचा, उसका एक साथी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे, 2 फरार। ग्रेटर नोएडा में शराब तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे, 800 पेटी शराब के साथ 2 गिरफ्तार। यूपी के अयोध्या में एक परिवार के 3 लोगों की मौत से सनसनी, पुलिस गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। झांसी में रंगदारी मांगने पर 2 गुटों में हिंसक झड़प, वायरल वीडियो में महिला बच्चे भी बरसा रहे हैं लात, घूंसे और डंडे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक प्रोफेसर की हत्या से हड़कंप, घर में घुसकर बदमाश ने घोंटा गला, पुलिस सुराग ढूंढने में जुटी हुई है। यूपी के महाराजगंज में फर्जी दस्तावेज पर रह रहे 3 विदेशी गिरफ्तार, 1 ऑस्ट्रिया, 2 नेपाली नागरिक। यूपी के बहराइच में महिला की हत्या के बाद बदमाशों ने तेजाब से जलाई शक्ल, पुलिस के गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 मुसाफिर बसों में टक्कर, 15 यात्री जख्मी, कोहरे की वजह से हादसा। यूपी के फतेहपुर में खेत में महिला के शव से हड़कंप, पुलिस के मुताबिक गला घोंट कर की गई हत्या। बिहार के आरा रेलवे पटरी पर महिला की लाश मिली, पुलिस को रेप के बाद हत्या का शक। झारखंड के पलामू में 3 नक्सली गिरफ्तार, कई अहम दस्तावेज बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों का उत्पात, सड़क निर्माण विभाग की 4 गाड़ियां फूंकी। दिल्ली में रेलवे फाटक पर ट्रेन की चपेट में आई महिला टीचर, फुटओवर ब्रिज की मांग को लेकर लोगों का हंगामा। बहादुरगढ़ में बेकाबू कार ने 5 लोगों को मारी टक्कर, लोगों ने कार चालक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सूरत में 3 मंजिला इमारत हुई धड़ाम, 1 की मौत, मलबे से 2 का रेस्क्यू। यूपी के इटावा में जोरदार धमाका, 1 शख्स गंभीर रूप से जख्मी, पुलिस की जांच शुरू।